बिलासपुर में आज सुबह 10 बजे से प्रारंभ गोड पार से दयालवंत गुरुद्वारा के लिए निकाली गई। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर बिलासपुर में विभिन्न आयोजन किए गए। नगर कीर्तन के साथ विशेष दीवान सजाया गया तो वहीं समूह साध संगत को गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। बिलासपुर में सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद देव जी महाराज का प्रकाश पर्व गुरुवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर बिलासपुर में भी विविध आयोजन संपन्न किए गए। गुरु पर्व की खुशी में गुरुवार सुबह पंच प्यारों की अगुवाई और गुरु ग्रंथ साहब जी की सरपरस्ती में गुरुद्वारा गोड़पारा से नगर कीर्तन जुलूस निकाला गया, जो सदर बाजार गोल बाजार जूना बिलासपुर गांधी चौक होते हुए दयालबंद गुरुद्वारा पहुंचा। इस दौरान नगर कीर्तन जुलूस का जगह जगह स्वागत हुआ, जहां सिख समुदाय के लोगों ने पंच प्यारे और गुरु ग्रंथ साहिब जी का आशीर्वाद दिया। गुरु पर्व की खुशी में गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा दयालबंद में विशेष कीर्तन दीवार सजाया गया, जहाँ सुप्रसिद्ध रागी जत्था भाई मेहताब सिंह जी जालंधर वाले एवं भाई बलदेव सिंह जी बुलंदपुरी वाले ने मधुर शब्द कीर्तन से साध संगत को निहाल किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष मत्था टेकने पहुंचे। अरदास के पश्चात यहां संगत और पंगत की परंपरा का पालन करते हुए अटूट लंगर बरताया गया। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म पटना साहिब बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह सिखों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। गुरु गोविंद सिंह ने ही गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का गुरु घोषित किया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए बिता दिया। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाएं आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में कई बार मुगलों का सामना किया था। सिखों को केस कड़ा कक्षा कृपाण और कंघा धारण करने का आदेश गुरु गोविंद सिंह जी ने ही दिया था। इन्हें 5 ककार कहा जाता है। सिख समुदाय के लोगों के लिए इन्हें धारण करना अनिवार्य होता है। वंशधारी जिसको हम सर्वंशधारी बोलते हैं, अपना सारा वंश इन्होंने पंथ के ऊपर देश के ऊपर वार दिया। अपने गुरु अपने पिताजी गुरु तेग बहादुर जी को जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना अपनी कुर्बानी दी। इनके 4 साहबजादों ने धर्म की खातिर देश की खातिर कुर्बानी दी। ऐसे गुरु का हम आज जन्मदिन मना रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 14 युद्ध किए और 14 के 14 युद्ध जीते। तो हम इनको अपने गुरु को हम इसको पिता बोलते हैं, हमारे धर्म पिता हैं ये। इनका जन्मदिन आज मना रहे हैं। सुबह से आज नगर कीर्तन सेंट्रल गुरुद्वारा गोड़पार से शुरू हुआ, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ दोपहर में 1 बजे गुरुद्वारा दयालबंद पहुँचा। आज के दिन हमारे पास कीर्तन करने वाले 2 रागी जत्थे हैं। एक है बलदेव सिंह बुलंदपुरी जी, दूसरे हैं मेहताब सिंह जी जालंधर वाले। इन्हों दोनों ने कीर्तन रही संगत की सेवा की है और कीर्तन बहुत ही मीठा कर रहे हैं, मधुर कीर्तन कर रहे हैं और संगत में बहुत ही उत्साह है। समाप्ति के बाद गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। सो संगत से बेनती है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और गुरु घर की पूजा पापत करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।